कल से हम ब्रोट वैली में हैं। कल रात हमने की थी सेल्फ कैंपिंग और आज हम गए थे सुबह लपास वाटरफॉल में, जो कि लपास विलेज में है, जो कि बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है। और अब हम जा रहे हैं एक ऐसे रास्ते पे जो कि गूगल मैप पे भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये रास्ता ब्रोट वैली से बीर बिलिंग तक है, जो कि राजबुद्धा विलेज से होके जाता है। इस रास्ते पे आपको मोस्टली ऑफ रोड ही मिलेगा और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे जो कि राजबुद्धा विलेज के हैं। तो चलो ये सफर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हेलो, मेरा नाम रुदन है और आप देख रहे हो रुदन व्लॉग्स। तो ये है ब्रो, यहाँ पे हमने कैंपिंग करी थी। मैं एग्जैक्ट साइज लोकेशन बताता हूँ। हम यहाँ से आगे निकल गए थे दूसरी साइड से, पर काफ़ी आगे जाके अकेली जगह पे लोग कैंपिंग करी थी हमने। यहाँ पे जो फिश है, ट्राउट फिश, हाँ वो फेमस है। और ये उसका मतलब कि गवर्नमेंट वाला उनका फॉर्म है, ये पीछे यहाँ पे था फॉर्म, वो सामने ना ट्राउट फिश का फॉर्म है। हम सोच रहे हैं हमारे पास सामान तो सारा है, बट हम सोच रहे हैं कि हम ना जो बनाएंगे खाने पीने का सामान है वो आगे से ही लेते हैं, मतलब कि राजबुद्धा से ही ले लेंगे, विलेज में कुछ ना कुछ तो होगा। सो ये देखो कितना सही है। मैं सोच रहा था यार ये चीज़ कहाँ पे है। ये देखो वाटर मैनेजमेंट है, ऊपर से झरना आ रहा है, पानी आ रहा है, यहाँ पे लगाया हुआ है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, हिमाचल में ये चीज़ सही है ना कि जो पानी है उसको अच्छे से यूज़ करा गया है। मैं बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं यार ये लोग। ये नीचे साइड थी जहाँ पे हमने रात को कैंप करा था, ये वाले एरिया पे, और यहाँ से ख़त्म हो जाता है ब्रोट और आगे नए वाली जगह आ जाएगी और उसी के साथ ख़त्म हो जाता है रोड। नहीं, अब तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया है कि ऐसी वैसी चीज़ पर मतलब अगर आराम से चलाओगे तो ये नीचे नहीं लगने वाला कहीं पर भी। मैं जो करना चाहता था वो ये था, कोई डेस्टिनेशन नहीं। अब मॉर्निंग हमारा प्लान था कि बिलिंग है, अब कुछ नहीं पता कि जहाँ पर हमने सोचा कि हमें रात हो जाएगी वहाँ हम कैंप लगा लेंगे। वैसे प्रेफर्ड है कि राजबुद्धा विलेज पे ही जाके कैंप लगाएंगे, कल विलेज को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे बीर बिलिंग से घर, क्योंकि बीर बिलिंग हमने देखा हुआ यार, सबने देखा हुआ, बट ये एरिया मैंने नहीं देखा हुआ और आपको मैं अपनी नज़रों से ये सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर एक वाटरफॉल ये है, ये वाटरफॉल है, बट जो हमने वाटरफॉल देखा ना वो इससे 3-4 गुना ज़्यादा फ्लो में था। ठीक है, तो अगर आपने देखना है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हो, आई बटन में मैं लिंक छोड़ रहा हूँ, पिछली वीडियो में देख लो। तो सर्दियों में ना ये सारा रास्ता स्नो से फुल होता है, मतलब कि आगे वाले आज ये नवंबर है, दिसंबर तक स्नोफॉल हो जाएगी और दिसंबर में यहाँ तक आना ना मतलब कि एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। एक तो टूरिस्ट यहाँ पे मतलब भर भर के आते हैं, आपने देख ही लिया होगा नीचे बुरे हाल है टूरिस्ट वाले, तो यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। कितना सही है यार, मतलब कि कुछ अजीब सा लग रहा है, कोई पत्ता नहीं है इस पर, वो जो हैरी पॉटर में नहीं होता वो साइड पे साला लड़ने पड़ने वाला पेड़ वो लग रहा है मेरे को। अचानक से टर्न हुआ, नज़र इस पर पड़ी, मैंने ब्रेक लगा दी। क्या देखने रुके हैं हम, देखने रुके हैं ये, ओहो, कितना ही सही नज़ारा, वाह। ये शेप कैसे बनी है, ऐसे 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 ऐसे। मेरे को ना हमेशा ऐसा लगता था कि वो ना हाथी का मत्था, वो सुंड ऐसे बनी हुई है ना, पता नहीं क्या है। तो पीछे मैंने अंकल थे काफ़ी, उनसे पूछा कि सूरज कितने बजे रहता है, कहते 5 बजे तक सूरज रहता है, मतलब 3-2 घंटे और है और 6-7 किलोमीटर राजबुद्धा है, तो उसके बाद तो अंधेरा होने वाला है क्योंकि अंधेरे में ये रास्ते नहीं है चलाने वाले। तो यहाँ पे लगा हुआ है काम, ये मशीन कहाँ पर चढ़ाई हुई है भाई, इसका सही है यार, जहाँ मर्जी चढ़ जाती है ये, इसको कोई मतलब नहीं है। वाटर क्रॉसिंग इसका ही वेट था, पैर नहीं लगाने नीचे बहुत तेजी। गिरने लगा था भी मैं। वाटर क्रॉसिंग, आप देखो
ये अभी जो लगा ना नीचे, वो यहाँ से नहीं लगा, यहाँ से लगा, मतलब पीछे स्टैंड है वो लगा था, कीचड़ में निकला। मैं सोचा ये चीज लगी। एक और आया। ओ भाई तेरे को क्या हो गया? ओए क्या हुआ तेरे को? मानती नहीं, बात ही नहीं सुनी उसने। वाटर क्रॉसिंग। मेरे को पानी भरना था यार, मेरी बोतल में पानी नहीं था। छोटी छोटी वाटर क्रॉसिंग तो यहाँ पे बहुत सारी हैं। अगर आपको ट्रैक पूरा करना है ये वाला, तो इतना रिक्वेस्ट कि आप बारिशों में मत आना, क्योंकि इसमें ना वाटर क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा दी हुई है। तो दी क्या है यार वाटर क्रॉसिंग, अभी उसका कोई हल नहीं है कि जैसे बाकी ऑफ रोड्स में क्या करा हुआ है, वाटर क्रॉसिंग को ओवरकम कर दिया गया है, उससे ब्रिज बना दिए गए हैं, बट इधर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो बारिशों में इस रास्ते पर मत आना। जब धूप निकली हो, जैसे अभी निकली हुई है, धूप में इस रास्तों पे आ सकते हो, बट बारिशों में बिल्कुल भी नहीं। आ गया कीचड़ में ना, मेरे को यही रहता साला कि तो ना हो जाए, निकल तो जाता है बट साले को संभालना पड़ता, और कुछ नहीं है। ना ना ना, रास्ता देख लो अब पुती। ओ तेरी। अब इधर लगेंगे पैर। तेरी पैर लगाने में घबराना मत यार, पैर लगा लो कोई चक्कर नहीं है, किट मत करा लेना पैर ना लगाने के चक्कर में। हो देख लो नीचे ना, ये सारी जितनी है ना आपको खेती दिख रही, ये फूल गोभी की है। फूल गोभी होती है ना साली, एक तो दूसरी गोभी होती है, फूल गोभी होती है, ये उसकी है। मतलब कि जब सीजन होता है ना इस पे, इस फूल गोभी का, तो पीछे रोड में तो गाड़ियां मतलब यहाँ से बाहर बड़ी जाती हैं, बाहर बहुत ज़्यादा जाती हैं। ना 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 ना, ये देखो कैंपिंग साइट, बट सारा बंद है क्योंकि ऑफ रोड है सारा, अभी चल रहा सारा सारा ऑफ रोड है। हाँ यहाँ पे भी काफ़ी कंटेंट बनाया है, ये वाले इस पे ये आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे मेरी। तो अब यहाँ से आगे चलते हैं क्योंकि दिन ढल रहा है तो हमें उसके अकॉर्डिंग निकलना पड़ेगा। यहाँ से आगे भी जो ट्रैक है कम से कम 12-14 किलोमीटर है, एग्जैक्ट तो साला कोई भी नहीं बता रहा हमें, मतलब एक घंटा लगेगा आराम से। काम तो अब खराब हुआ। चेक करो कैसा आया। अब इसको पानी के बीच बीच में से चलना पड़ेगा। ये तो सीधी चढ़ाई है भाई, बट इसको चढ़ाई चढ़ाई से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ता है हैंडल संभालने से, हैंडल नहीं संभला गया ना तो तक्का स्केट हो गए बड़े बुरे। चढ़ने चढ़ने का तो कोई नहीं, पावर डिलीवरी बहुत अच्छी है इसकी। हाँ अब नीचे लगने की डिलीवरी ये भी थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी है, नहीं लगा। आराम से चलाओगे तो कुछ नहीं लगेगा नीचे, पर प्रॉब्लम है ना आराम से चल नहीं सकते हम, हमें दूर जाना, इतनी आराम से भी नहीं चल सकते कि सारा ही चल पड़े ये इधर फिर इधर फिर उधर। ऊपर चू इधर नहीं मैं रुकता। आ गया हर्ष। ज़्यादा ज़्यादा लगेगा तो ऐसी जगहों पर लगेगा, और कहीं पर भी नहीं लगेगा, वो भी अगर आराम से मैं ना चलाऊँगा तो। अदरवाइज देखो कैसे चल रहा है, टुक 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 बस इसी स्पीड से ना ये ऊपर निकल जाता है। मतलब मैंने स्पीड ज़्यादा नहीं दी हुई, ऑब्वियस आप धीरे धीरे चलना, मतलब पावर डिलीवरी कैंड आत वाली पावर डिलीवरी है ये है। प्रॉपर राजगुदा विलेज, ठीक है, इस साइड से व्यू चेक करो, मैं रोक के चेक कराता हूँ यार। ये देखो कितना ही सही है। हमारा प्लान है यहाँ से आगे जाने का, क्योंकि टाइम है अभी 3:30 हो रखे हैं यार, 5 बजे तक, वो 1.5 घंटे का टाइम है, तो 1.5 घंटे में हम आराम से पहुँच जाएंगे बीर बिली।
भाई बिलिंग तक का रास्ता कितना है? बिलिंग यहाँ से 12 किलोमीटर। 12 किलो कितना टाइम लगेगा? आधा पौना घंटा। रास्ता साफ है? ऐसे ही है ना? ठीक है, ये साफ ही है। ठीक है भाई, थैंक यू। हाँ, अब पता ना एग्जैक्ट कि 12 किलोमीटर है यहाँ से। पौना घंटा लगा, मैं घंटा लगा के चलो यार, एक घंटा कन्फर्म है। 3:30 से 4:30 बजे तक वहाँ पे होंगे। और वहाँ पे क्या है कि आपको सन जो सनसेट है ना वो थोड़ी लेट होगा, क्योंकि वो हाइट पे है। तो शो कर रहा हूँ आप वैली का नज़ारा लो। ओह, ये रास्ता है ये वाला इस साइड से, और ये ऊपर हुआ गया। सारा रास्ता बनाया हुआ यार, और अच्छा बनाया हुआ। और ये पेड़ देखो, ये पेड़ ना कई 100-100 साल पुराने होते हैं। काट हम इसको 15 मिनट में देते। गलती अभी अपनी नहीं काटनी चाहिए, ठीक है। बैकाल देखो, ओहो हो, इससे आप समझ लो कितना ही ऑफ रोड निकला हुआ है, गंद निकला हुआ। ओह मज़ा आ गया। ये घर जाके ये भी सोचे कि साली किसके हाथ चढ़ी हूँ मैं, ये तो साला ऑफ रोड भी मेरे साथ ही कर रहा है। फर्क देखना, राजगोदा वैली में हो गया था ना सनसेट, यहाँ पे देखना कितना अभी निकला हुआ। इसके बाद हम जा जाएंगे पहाड़ की दूसरी वाली साइड, और यहाँ पे सन देखो अभी कितना ही ऊपर होगा। टाइम लगेगा यहाँ से सनसेट होने में, वो देखो। इसके बाद हमारे पास फिर से 2 घंटे हैं धूप वाले। सनसेट हो गया है, सनसेट होने में ना अभी 2-4 घंटे, मतलब यहाँ से प्रॉपर होगा वो सामने, सबसे ऊंची जगह यहीं पे है। हमने जाना है वो वाले पे। ओए होए होए होए, ये बड़ा गंदा रोड है यार। नीचे देखो, नीचे किट हो रहा है, नीचे नीचे खाई है बड़ी तगड़ी यार, नीचे खाई है भोले, नीचे खाई है। मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ रही नीचे को देखने में। ओ घट्टा घट्टा घट्टा, उसको बोलो तू भी साइड दे दे, ये नहीं साइड देगा। वो तो बेचारा था ट्रक वाला, ये बोलेगा ऐसे कैसे, मैं कैसे साइड दे दूं भाई। हाथ ना फ्रीज हो गए हैं, मतलब बिल्कुल ठंडे हैं। उस साइड धूप है बट इस साइड बिल्कुल धूप नहीं आ रही, सो हाथ ना बिल्कुल जम गए हैं, मतलब बिल्कुल ठंडे हैं मैं बता सकता हूँ। ऊपर से ये रास्ता मजे वाला रास्ता है, वो उस साइड देखो कितना ही सही है। कैंट वाला ऑफ रोड मजा आ रहा है यार। अब एकदम से ना टर्न कट होगा और आगे से बजेगी धूप, ये देखो। ओए बस ये चीज़ें एक्सपीरियंस करनी बहुत ज़रूरी है यार लाइफ में, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी बहुत ज़रूरी है। हम आ चुके हैं ये पैराग्लाइडिंग वाले रास्ते पे, यहाँ से टेक ऑफ साइट है पैराग्लाइडिंग बीबिलिंग की। तो अभी कैंप साइट देखो अपने गाँव पे, वो देखते हैं। और हर्ष को भी पूछते हैं कि वहाँ पे करनी भी है कि नहीं, क्योंकि इसका कुछ नहीं पता कि वहाँ पे करनी भी है कि नहीं, तो कुछ कन्फर्म नहीं है। कैंपिंग साइट तो बड़ी अच्छी अच्छी बनाई हुई है, ये देखो कितनी ही अच्छी कैंपिंग साइट है। सो फाइनली आई डिड इट। ट्रैक चाहे छोटा था बट मेरे मन में था, मेरी मतलब कि ट्रैवलिंग लिस्ट में था कि मेरे को वो ट्रैक करना है, मैंने कर दिया। कैंप वाला ट्रैक है, मतलब वो छोटा मोटा ऑफ रोड करना। तो हम यहाँ पे आ गए हैं और इसने बेचारी ने बड़ा कुछ सहा है, बट ये है कि साथ पूरा दिया। पावर डिलीवरी एक नंबर है इसकी, मज़ा आ गया, प्यार हो गया इससे। और हम आ चुके हैं अब पैराग्लाइडिंग की टेक ऑफ साइट से बिलिंग। और इसी के साथ हमने अपना ये सफ़र यहीं पे ख़त्म कर दिया। अगर आप ब्रोट आते हो या बिलिंग आते हो, मेरा ये सजेशन है कि आप जिस जगह पे ज़रूर आना, ये आपको बिलिंग टेक ऑफ साइट से ऊपर मिलेगी। यहाँ पे सनसेट इतना ज़्यादा सही होता है कि आपको इससे अच्छा फील कभी भी नहीं हो पाएगा। दोस्तों, इसी जगह से अब हम सभी को अलविदा बोलते हैं, और अब फिर से मिलेंगे हम आपको ऐसे ही किसी और जगह पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक बिना करें मत जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।